मैं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। स्वच्छकार समाज की आवाज के तमाम मित्रों को मैं सबसे पहले जय भीम बोलती हूँ। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट, डिक्की के प्रेसिडेंट राजा नायक जी। आप कर्नाटका से हैं और आपका परिचय तो हम आपसे विस्तार से जानेंगे ही। मैं तमाम मित्रों को ये बताना चाहती हूँ कि उद्यमिता की ओर कैसे स्वच्छकार समाज बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ में जो भागीदारी कर रहे हैं वो है प्रोफेसर राजेश पासवान सर, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और राजा नायक जी तो हमारे साथ हैं ही। सर, मैं सीधा आपके पास आना चाहती हूँ। स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से आपको जय भीम, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, सबको जय भीम। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय हमारे छोटे से चैनल के लिए बातचीत करने के लिए दिया। सर, मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आपका सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं, कैसे शुरुआत की? जी बेसिकली मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और बैंगलोर से, कर्नाटका बैंगलोर से हूँ, बैंगलोर में हूँ मैं। और जहाँ तक एजुकेशन का आप पूछ रहे हैं, मैं तो एक स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, तो दो मिनट में अपनी कहानी सुनाता हूँ आपको। तो नॉर्मल फैमिली है हमारा, फाइव मेंबर्स थे, बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा गुजारता था। तो क्यों स्कूल ड्रॉप आउट हुआ, इसका मतलब इसका कारण बता रहा हूँ आपको। तो बहुत मुश्किल से फीस, स्कूल में फीस भरने के लिए, जैसे हर पेरेंट को स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का शौक होता है, हमारा माँ बाप को भी था। तो एक छोटा मोटा स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किए थे हमारे को, मगर हर 3 महीने में स्कूल से वापस आते थे, फीस नहीं भरते थे, टाइम पे नहीं भर पाते थे। तो ऐसा, तो जब मुझे कैसे भी 7th स्टैंडर्ड तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में गया, 8th 9th पढ़ा। फिर तब तक फैमिली का हालात बहुत बुरा था, इन्हें डे 1 मील खाते थे हम, और पूरा 5 लोग, 6 मेंबर्स का फैमिली था, तो 10 by 10 भी नहीं था पूरा घर, पूरा घर मतलब बाथरूम किचन बेडरूम सब हॉल सब मिला के भी 10 by 10 भी नहीं होता था, और बहुत मुश्किल से गुजारा गुजरता। एंड आई वॉज, मैं घर का फर्स्ट एल्डेस्ट सन था मैं, तो मैं देख रहा था मेरा माँ बहुत तकलीफ उठाती थी रोज खाने के लिए, हर चीज के लिए। तो मैं कुछ दिन मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो स्कूल में तो घर का हालात देख के हमने, मेरा दिमाग दूसरी तरफ चला गया कि पैसा कमाना है, कैसे भी पैसा कमाना है। तो फिर स्कूल चक्कर करते थे ऐसे वैसे करके, मैं 9th तक पढ़ा, मैं स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। तब तक मेरे को एक पंजाबी एक फ्रेंड मिला, मेरा घर का नेबर था, तो वो थोड़ा बहुत शाने थे, बिकॉज दे यूज टू ट्रैवल दिल्ली बैंगलोर, ऐसे ट्रैवल करते थे छुट्टियों में। उनका बाप LIC एजेंट थे, LIC में काम करते थे, तो छुट्टियों में वो आना जाना था। हम तो बेंगलुरु के बाहर कभी देखा भी नहीं था कुछ, बेंगलुरु तो छोड़ो अपना एरिया से बाहर भी नहीं देखा था, तो इतना एक्सपोजर नहीं था वर्ल्ड का यार। तो इनके तरफ से, इनका थोड़ा वो पंजाबी फैमिली था, थोड़ा वो थोड़ा फास्ट थे, थोड़ा उनको अवेयरनेस था दुनिया का, तो दोस्ती में हो गया। तो फिर हम दोनों ने मिलकर क्या किया, तो एक्चुअली दिस द मैसेज, मैं तो घर से भाग गया एक्चुअली, इनफैक्ट शौक से नहीं है, मगर कमाने के लिए, कमाना था दो हिसाब से। तो एक दोस्त मिला, तो फिर और एक हमारा, पहली बात तो मैं, मेरा हिंदी कैसा लगेगा मालूम नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा, मैं अभी आपसे ये कहने वाली थी कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, अगर आप आपकी भाषा, आपके क्षेत्रीय भाषा में बोलना शुरू करें तो हमारी क्या हालत होगी। जी जी, बहुत अच्छी हिंदी है सर आपकी। तो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली से और एक फैमिली, तो वो तब कॉटन शर्ट्स की बिजनेस करते थे, थोड़ा हमारे को उनका उनसे ज्ञान मिला। तो फिर हमने एक 5 दोनों मिलके, मैं दीपक करके वो फ्रेंड है, वो आज नहीं है, वो गुजर गया है, तो दोनों मिलके एक 10,000 रुपये इकट्ठा किया था, 5,000 का। तो फिर वो पैसा लेके हम चेन्नई गए,
चेन्नई मतलब दोस गेज इट इज कॉल्ड मद्रास एंड इट वाज वो उस समय में 80s की बात कर रहा हूँ मैं, गारमेंट हब था वो, आज गारमेंट का हब बैंगलोर है और वो जमाने में गारमेंट का हब मद्रास था। मतलब 70s-80s में तो कोई बैंगलोर को जानता भी नहीं था, साउथ इंडियन मतलब मद्रासी बोलते थे सभी, तो हम मद्रासी हो गए, वैसे बैंगलोरियन है तो मद्रासी बोलते थे हम लोगों को। तो हम मद्रास गए, मद्रास से थोड़ा कपड़े वो 40-50 रुपीस के रेंज में हमारे को एक्सपोर्ट रिजेक्टेड का कपड़े शर्ट्स मिले हम, तो हम 10,000 रुपए से लेके वो एक 200 शर्ट्स लेके आए हम बैंगलोर। बेंगलुरु आए, मैं विल्सन गार्डन में रहता हूँ, आज भी विल्सन गार्डन में हूँ। जा तो मेरा करियर एक्चुअली टू द ऑल द व्यूअर्स मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस करियर शुरू हुआ था फुटपाथ पे, राजा नायक को फुटपाथ वाला ही बोलते आज भी। तो फुटपाथ पे मैंने वो शर्ट्स लेके आके, बॉश करके एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है, उनका ब्लू शर्ट्स पर इज द यूनिफॉर्म। तो लकीली हमारे को 90% ब्लू शर्ट्स ही मिल गए थे, वो उसमें 80-90%। तो सीधा बॉश कंपनी के सामने लंच आवर में हमने रोड के ऊपर डाला और 50 का शर्ट 100 रुपए में बिक गया। बहुत बढ़िया, मतलब ये पहला आपका बिजनेस? पहला पहला बिजनेस था, 17 साल का था मैं, सो दैट वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। एक ही दिन में 2 घंटे में 5,000 रुपए प्रॉफिट देख लिया, तो ये प्रॉफिट हमेशा याद रहेगा। हाँ, हमेशा याद रहता, इसलिए तो सीधा हमने वहां से शुरू किया। फिर गारमेंट इंडस्ट्री में ऐसा मेरा शुरुआत हुआ, फिर आज भी दुनिया में सबको मालूम है तिरुपुर इज अ हब ऑफ अंडर गारमेंट्स, तिरुपुर इन तमिलनाडु, पूरा एक्सपोर्ट होता, पूरा वर्ल्ड का एक्सपोर्ट होता और एवरी ट्यूजडे को उधर नाइट मार्केट होता है। तो जो पैसा कमाया और अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट लेके फिर तिरुपुर गए हम, हर हफ्ता हम अप एंड डाउन करते रहे कि जो उधर से लेके आना अंडरवेयर, बनियंस, कॉटन एक्सपोर्ट, कॉटन रिजेक्टेड सब लेके आना, फिर ब्रिगेड बैंगलोर में, ब्रिगेड रोड इज एन हैपनिंग प्लेस, तो वो रोड पे हम सेल्स शुरू करना शुरू किया। तो ऐसे थोड़ा बड़ा गारमेंट इंडस्ट्री बड़ा, फिर उस जमाने में कोल्हापुर चप्पल वॉज वेरी फेमस चप्पल्स, फिर बैंगलोर से चप्पल लेके आया, फिर ऐसे आई मीन बेलगाम कोल्हापुर बेलगाम बॉर्डर पे, तो उधर से लेके आना ऐसे चप्पल, वो भी 45-50 रुपीज के रेंज में आते थे, हम 100 रुपए में बेचते थे। फिर ऐसे चप्पल और गारमेंट इंडस्ट्री में हम बहुत पैसा कमाया, फिर ऐसा शुरुआत हुआ मेरा जिंदगी, ऐसे शुरुआत हुआ। तो एंड बहुत बढ़िया, और ये शुरुआत इतनी खूबसूरत है कि आज आप साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, और आज मैं एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ मैं, 3,000 बच्चे हैं हमारे पास, 4 स्कूल है बैंगलोर में इंग्लिश मीडियम करते हैं, वी हैव एन बीएससी नर्सिंग कॉलेज, वी हैव ए बीएड कॉलेज, ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, एंड अदर बिजनेसेस है एक्चुअली मैं आज, दैट इज माय बैकग्राउंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। टुडे आई एम इनटू फूड इंडस्ट्री, सब दलित समाज को, हमारे समाज को ज्यादा दूर रखते थे, आज हम फूड सप्लाई करते दुनिया को। और पानी एक इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ, मे बी सम पीपल व्यूअर्स मे फील बैड ऑल्सो, तो पानी हमारे को हम लोगों को ऐसे पिलाते थे लोग पानी, बिकॉज वी आर अनटचेबल्स। आज मेरा कंपनी है जला बेवरेजेस, हम पानी पिलाते दुनिया को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिस इज वन ऑफ, पानी के लिए बाबा साहब अंबेडकर को संघर्ष करना पड़ा था ताकि वो पानी, उसका समाज पानी पी सके, और आज पूरी एक कंपनी के मालिक वही बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, ऑल ग्रेट पोस्ट बाबा साहब अंबेडकर, उनका मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो वाल्मीकि समाज है वो मैक्सिमम सफाई कर्मचारी है एक तरह से, या कहिए कि जो हमारे जो नौकरियों में, या थोड़ा बहुत एक परिवर्तन तो आया है बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बाद और आजाद भारत में, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोग सफाई कर्मचारी हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में। आपके साउथ इंडिया में अर्जुन अर्जुन
तो गए हुए शायद नेटवर्क डिस्टर्ब है क्या? पता नहीं, वही मैं। अच्छा, आवाज तो आ रही है कौशल जी, आवाज आ रही है आपकी? सॉरी हाँ, आपकी यहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है। आवाज, हाँ जी जी, बीच में चला गया था नेटवर्क, दोबारा फिर से मैंने ट्राई किया है। मैं सर आपसे जानना चाह रही थी कि आपके यहाँ जो साउथ इंडिया में वाल्मीकि जो समाज है उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी है, और सोशली सामाजिक स्थिति, एजुकेशन का आंकड़ा क्या नॉर्थ इंडिया से अलग है, ये मैं आपसे बीच में सवाल पूछ रही। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, जहाँ तक रिजर्वेशन मिले लोगों ने, एससी जितने भी एससी एसटी लोग है, एजुकेशन तो पा लिया, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज गिवन द फैसिलिटी एजुकेशन, सो एवरीबडी हैज टेकन एजुकेशन इन द अर्बन एरियाज। अर्बन, अभी आप रूरल में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, उनको अवेयरनेस नहीं है तो उतना। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, आवाज आ रही है सर आपकी। रूरल एरिया में वैसे ही है कि नॉर्थ कर्नाटका वैसे तो बहुत ही बैकवर्ड है, जैसे आप बोल रहे कि नॉर्थ, जैसे मैंने नॉर्थ इंडिया में भी देखा है तो वही हालत है हमारा, हमारा यहाँ भी है। रायचूर, रायसर जगह में गए तो बहुत ही बैकवर्ड है उनको, अभी वो इंदौर वो जीरे करके भी इंसान इंसान करके भी नहीं बोल सकते, उतना बैकवर्ड है। स्वच्छकर समाज में कौन कौन सी जातियां आती हैं साउथ में, खासकर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा? स्वच्छकर समाज में कौन कौन सी जातियां आती हैं? क्या ये इनका पेशा आज भी वही है जो पहले था, या कुछ सुधार आप दिखाई देता है आपको? जो जो आज का जनरेशन, न्यू जनरेशन है, वो थोड़ा एजुकेशन लेने के बाद वो चेंज हो रहे हैं, मगर उनका पेरेंट्स वगैरह तो वही काम कर रहे हैं। स्वच्छकर समाज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है वो कॉर्पोरेशन में, वही वही लोग अपना ही लोग काम कर रहे हैं ना कॉर्पोरेशन में, तो बैंगलोर कॉर्पोरेशन में, सिटी कॉर्पोरेशन में जा तक के जो, मगर क्या है, जो माफिया है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो अपर कास्ट वाले ही होते हैं। आज भी अपर कास्ट वाले ही कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं, टेंडर वही लेते हैं, मगर काम करने वाले लोग अपने ही हैं। तो लकीली क्या है, बैंगलोर में उतना ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो सब बहुत हो गया है, इरेडिकेट हो गया है, तो जेटिंग मशीन्स वगैरह जो है गवर्नमेंट ने खुद, जल बोर्ड वाले हैं और बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड, उनके पास मशीन्स है, और कॉर्पोरेटर के यूनिट में दो दो मशीन्स, तीन बड़ा बड़ा मशीन्स रहेगा जो ऑपरेट होता है, मैन्युअली उतना नहीं हो रहा है, 99% नहीं हो रहा। मैं सर अगला सवाल यही आपसे बल्कि जानना ही चाह रही थी, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर बताएं, जो मैनुअल स्क्रबिंग का जो काम था, या जो एक तरह से मेन हॉल को साफ करने का था, मशीनों के आने से कितना फायदा इस कम्युनिटी को हुआ? क्या इकोनॉमिकली उनको फायदा हुआ इससे? सोशली तो हुआ ही कि उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। जी, एक्चुअली डिक्की आने के बाद हुआ है, एक पूरा ये डिक्की को जाना चाहिए, जहाँ हमारा चेयरमैन मिलिंद सर जी है और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट रविनारा सर जो भी है, दोनों ने एक हमने डिजाइन किया पूरा हिंदुस्तान में करने के लिए। वो पहला मॉडल हमने हैदराबाद में शुरू किया था, हमारा चेयरमैन साहब ने भी बात किया, उन्होंने इंटरव्यू हैदराबाद में बहुत सक्सेसफुल चला, वो देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को इन्वाइट किया था दिल्ली में, फिर उधर से केजरीवाल गवर्नमेंट में भी
वो अभी तो आपको मालूम है दिल्ली में शायद 200 गाड़ियां उधर चल रहा है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिर्फ दो स्टेट में चल रहा है. और अभी हम अपना बैंगलोर में कर्नाटका में भी हमने प्रपोजल दिया है. प्रपोजल ये दिया है कि ये बहुत बड़ा माफिया है. बड़े बड़े लोग जो है बड़े बड़े अपर कास्ट वाले हैं वो कंट्रोल करते हैं सिटी बिकॉज इट इज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज का बिजनेस है. सो मशीन्स वो रहते हैं सभी वो लगाते हैं. काम करने वाले हम लोग अपने लोग अपने समाज के. क्या इसको हम ऐसे ही माने कि जैसे जब जूता गाँटने की बारी थी तो हमारा दलित समाज था. जब वही इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा तो जैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ मैकेनिज्म हुआ उसमें तो अदर देन कास्ट ने उसको ऑक्यूपाई किया. जबकि मोची आज भी जूता ही गाँट रहा है. तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद हमारे डिप्राइड सेक्शन को या सीधा कहें कि वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी आगे इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं या वो वहीं रह जाते हैं और दूसरा ऑक्यूपाई कर लेता है फिर उसको जब वो बिजनेस जरूर बढ़े. बहुत लोग आगे आए हैं तो हम कभी भी बोलते रहते डिक्की से पहले और डिक्की के बाद में दलित समाज कैसे रहते. डिक्की से पहले कैसे थे हमारा समाज. डिक्की आने के बाद डिक्की आके अभी 15-16 साल हो गया तो उसके बाद कैसे करते. तो पहले क्या था लोगों को अवेयरनेस नहीं था. फाइनेंशियल एक्सेस नहीं था. तो डिक्की आने के बाद क्या है उनको हम हर पूरा ऑलमोस्ट हम 25-26 स्टेट्स में है. नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं है. नॉर्थ ईस्ट में दो तीन चार स्टेट में नहीं है हम. अदरवाइज पैन इंडिया में है हम. तो पूरा सबको अवेयरनेस एवरी मंथ एवरी 30-40 डेज में हमारा प्रोग्राम्स पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज में स्टेट वाइज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स SC ST के लिए चलता ही रहेगा. हर बिजनेस में all kinds of business. We are into garments, we are into packaging, we are into food, we are into shoes industries, baggage industry, transportation, logistics, service industry. ये सब का हम awareness program, skill development पर NSDC हमारा टाइप हुआ है और we are doing a wonderful job there. Awareness दे रहे हैं और डिक्की के बाद आज क्या है बिकॉज जो किसी को भी कुछ भी करना है पैसे की बहुत जरूरत है. तो क्या होता है वो अभी बैंकिंग बैंक में जाए तो कोलैटरल मांगेंगे. तो कोलैटरल के बिना पैसा नहीं देंगे. तो इसीलिए अगर डिक्की के माध्यम से आज स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम आया हुआ है जहाँ तक अप टू फ्रॉम 10 लाख ऑनवर्ड्स टू 1 करोड़ तक विदाउट एनी कोलैटरल लोन देना ही. ये हिसाब से हमने इंडियन बैंक में हमने 2000 करोड़ का इट इज अ हिस्टोरिकल इवेंट फॉर दलित समाज. 2000 बेसिकली हमारा लोग क्या है कि मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल दे लुक फॉर जॉब्स दे डोंट गो फॉर दैट बिकॉज दे ऑल मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ और बिजनेस के लिए रिस्क जरूर लेना पड़ता है. तो रिस्क और अपने लोग रिस्क नहीं लेते लेना नहीं चाहते. बैकग्राउंड भी नहीं है ना सर. बैकग्राउंड भी नहीं है. बैकग्राउंड नहीं है ना सर. बिजनेस तो हमेशा बैक मांगता है सर. दोबारा आपके पास आज बैकग्राउंड दिखी है तो हम हर लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं. कोई भी राउंड द क्लॉक अभी कर्नाटक में तो मेरे को तो दिन रात अभी इवन कोरोना के टाइम पे भी हम एवरी 15 दिन में एक वेबिनार मीटिंग करते थे ऑन डिफरेंट इश्यूज. जी सर मैं दोबारा फिर आपके आपकी ही जीवन संघर्ष के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि 17 साल की उम्र में राजा नायक ने 5000 का प्रॉफिट सीधा कमाया था. तो डिक्की से कैसे जुड़ाव हुआ कैसे डिक्की के साथ आप जुड़े इस संघर्ष यात्रा पर. 17 साल से लेकर 2010 तक हमने कास्ट का इसका इस्तेमाल किया ही नहीं. हमारे को सिर्फ पैसे का मतलब था. पैसा कैसे कमाना करके पैसा कमाते थे. जरूर कमाया हमने पीछे नहीं देखा. कोई भी बिजनेस सही तरीके से बिजनेस किया और पैसा कमाया. 2010 में मेरा डिक्की से इंट्रोडक्शन हुआ था. 2010 में 2011 में मैं कर्नाटक में स्टार्ट किया. सो ऑलमोस्ट 10 इयर्स से हम मेरा डिक्की से संबंध है. 2010 से 2020 तक मेरा संबंध रहा. फ्रॉम ऑर्डिनरी मेंबर से कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट बना. साउथ इंडिया कोऑर्डिनेटर बना. आज साउथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ. अब पूरा स्टेट 6 स्टेट्स में देख रहा हूँ मैं. एंड पूरा 6 स्टेट्स में फॉर एग्जांपल सिर्फ कर्नाटका की बात किया तो मैंने हमने डिक्की के माध्यम से मोर देन 300 एंटरप्रेन्योर्स को हमने
जीरो से मिलियनर बनाए, जीरो से मिलियनर बनाया हमने, और दे कम विद बिकॉज हमारा इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कर्नाटका गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट जो भी है, जो भी सरकारें आए हैं, दलित एससी एसटी समाज को बहुत कोऑपरेट किया, एस्पेशली बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में। सो हमारे को इधर 75% सब्सिडी में इंडस्ट्रियल साइट्स मिलता है। अगर 1 करोड़ का 1 एकड़ लैंड है जनरल कैटेगरी के लिए, हमारे को 25 लाख में मिल जाता है। एंड एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम 10 करोड़ तक हम लोन दे सकते। एंड इट इज नॉट ऑन पेपर, प्रैक्टिकली अपना जितने भी डिकी मेंबर्स है, मेरे पास अगर अगर कर्नाटका में 500 मेंबर है, 500 लोगों ने भी 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक सबने लोन लिया है विदाउट कोलैटरल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो कर्नाटका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, यू कैन गूगल देयर, उनका वेबसाइट में ही लिखा है कि 300+ crores आर बीन बोरोड बाय एससी एसटी समाज, ऐसा। तो गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है कि इंडस्ट्री आया, बिकॉज दे डोंट हैव जॉब्स, गवर्नमेंट आज जॉब्स नहीं है, सो ओनली ऑल्टरनेटिव इज डिजाइन सम पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमारा पॉलिसी बहुत अच्छा रहा है एससी एसटी के लिए, जो एंड डिक्की के माध्यम से हमने अवेयरनेस दे रहे हैं कि 10 मुद्रा हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, ऐसे हम बहुत से ये स्कीम्स के मुखांतर हमने हर लोगों को लोन दिलाने का कोशिश किया और सक्सेस भी हुआ। हमने आज तक एक इवन 1 केस इज नॉट ए फेल्यूर केस इन कर्नाटक, ऐसा है। तो अगर साउथ इंडिया की बात आए तो पूरा हम तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, ये सब मैं ही देखता हूँ। तो हम हर जगह में अच्छा सक्सेस रेट है हमारा बिजनेस का, हमारा लोगों का। डिक्की आने के बाद लोगों ने, बहुत लोगों ने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप का उनको स्पेलिंग भी नहीं मालूम था, आज एंटरप्रेन्योरशिप बने, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री में बहुत लोग है, गारमेंट में बहुत लोग है, और टाटा से प्राइवेट सेक्टर में आया तो टाटा कंपनीज आर टाटा सपोर्टेड डिक्की मेंबर्स अ लॉट, इंक्लूडिंग फाइनेंस भी किया टाटा कंपनी ने अपने डिक्की लोगों। तो इस तरह हमारा डिक्की के माध्यम से, डिक्की के मूल से बहुत से लोग बिजनेसमैन बने हैं। एंड एस्पेशली कर्नाटका में आए तो मैं हर साल अपना 8 से 15 मेंबर्स को पूरा आधा विश्व घुम लिया हमने। एग्जीबिशन इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर्स में जाते हैं। रिसेंटली जब से कोरोना आया, ऑन मार्च 6 आई लैंडेड विद 12 पीपल फ्रॉम पेरिस, यूरोप लेके गया था मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम था, वो स्कीम के अंदर एग्जीबिशन हुआ था एम्स्टरडम में, उनको लेके गए थे मैं, तो SC ST दोनों थे, तो सब जाके हम मार्च 6 को ही बैंगलोर आए। ऐसे बहुत सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है, और हम भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोग आगे आ रहे। हमारा लोगों को ये चाहता हूँ कि मैं कि वो बाहर आना चाहिए पहली बार। सर, ये एक अवधारणा रही है कि पूंजीवाद से जातिवाद खत्म नहीं होता, आपको क्या लगता है कि पूंजीवाद बढ़ने से, या इसको ऐसे कहिए कि हमारे जो बहुजन समाज है या दलित समाज है, जैसे जैसे इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होता है, क्या कास्ट फैक्टर कम होगा इससे? नहीं हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। बोलते हैं कि अभी सी वी ऑलवेज ऑन एवरी बाबा साहब जयंती कास्ट फ्री इंडिया करके हमने रन फॉर कास्ट फ्री इंडिया करके करते हैं, बट अदरवाइज इन जनरल ज्यादा ही हो रहा है, कास्ट का जो है वो ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो सर, सॉरी, समाधान क्या है? मतलब हमने ये भी देख लिया कि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो मे बी कास्ट प्रैक्टिस कम हो, कास्टिज्म कम हो, लेकिन वो हमें दिखता दिखाई नहीं दे रहा कि कम होता हुआ हो। तो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट वी हैव टू डू टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम और कास्ट फैक्टर सिटी ऑन द लेक। सॉरी, आई कुड नॉट गेट योर लास्ट लाइन। मैं सर ये कह रहा था, कौशल जी, मैं भी कुछ इसमें शेयर करना चाहूंगा। जी जी सर, लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए आप। ओके, सर बीच में कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं। जी हाँ,
हाँ, ये जो मसला है कि पूंजी से चीजें खत्म होगी कि नहीं होगी, और ये हम लोग बुद्धिजीवियों के बीच में ये मसला खूब चलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मनुस्मृति में लिखा गया कि दलितों के पास, शूद्रों के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक तो धारणा यह है जो हमें संपत्ति पैदा इकट्ठा करने से रोकती है। दूसरी विचारधारा यह है जो कहती है कि दलित पूंजीवाद से दलितों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि दोनों विचारधाराएं लगभग एक जैसी ही है, जो पूंजी होने से रोकती है दलित समाज को। दूसरी बात जहां तक है, आपकी बात में, सॉरी मैं भूल जाऊंगी अदरवाइज, आपकी बात में मैं एक चीज और ऐड कर दूं। जहां मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि शूद्रों को के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहीं पे ये भी लिखा है कि जहां जहां शूद्रों का राज्य हो, जहां स्टेट शूद्र के पास हो, उसमें उसमें हमें जाना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ये भी है कि पूरी पूरा मतलब पूरा राज्य शूद्रों के बीच, ऐसा नहीं। हाँ, थे वो, देखिए वो एक विचारधारा थी। जहां तक ये जातिवाद, हाँ नहीं, जहां तक जातिवाद खत्म करने वाली बात है, आप देखिए कि एक गरीब के साथ अगर कोई जातिगत भेदभाव होता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? एक अमीर के साथ होता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अमीर उस जातिवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, उसका जवाब दे सकता है। और ये जो भेदभाव होता है वो देख के होता है कि कौन जवाब दे सकता है, कौन जवाब नहीं दे सकता। जो जवाब नहीं दे सकता उसका उसके साथ अधिक होता है, जो जवाब दे सकता है उसके साथ कम होता है। तो पूंजी इम्पावर करती है आपको, आपको एजुकेशन भी इम्पावर करता है, पूंजी भी करती है, पॉलिटिकल पावर भी इम्पावर करता है, आपका मसल पावर, मैन पावर, मेंटल पावर, ये सारी चीजें इम्पावर करती हैं। जो भी चीजें इम्पावर करती हैं वो चीजें कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को कमतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये पूंजी और कास्ट को लेकर के ये जो मेरी अपनी सोच है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, राजा नायक सर के ही प्रसंग में, ये जो स्वच्छकार आवाज के समाज से मैं, कई लोग सोचते थे कि यह स्वच्छता जो है वो हमारे कई बार दिमागी स्वच्छता के लिए भी काम कर रही है चीजें, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठ गई हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये अभियान उसको भी दूर कर रही है। जैसे हमारे दिमाग में स्वच्छता ये करती है कि दलित समाज बिजनेस नहीं कर सकता, और आपने देखा कि राजा नायक सर के माध्यम से कि एक स्कूल ड्रॉप आउट भी आज तीन तीन स्कूल चला रहे हैं और कई करोड़ का सर का टर्नओवर है और बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। एक और बात मैं राजा नायक सर के प्रसंग में बताना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग कुछ वैसे सुझाव देते हैं जिसको हम खुद नहीं कर पाते। अगर कोई दूसरा कहे कि इसे आप कर लीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको सुझाव देना हो तो हम खूब सुझाव देंगे। सर एक बार राजा नायक सर बता रहे थे कि शुरू शुरू में जब ये कुछ योजनाओं को लेकर के लोगों के पास जाते थे बताने के लिए, तो किसी ने पूछा था कि आप जो सरकार की योजना बता रहे हैं आपको ये मिला है क्या? तो ये बात इनको थोड़ी सी नागवार लगी। उनका कहा अच्छा ठीक है, पहले मैं ही लेता हूँ। तो पहले इन्होंने उस योजना का लाभ लिया और उसके बाद फिर लोगों को बताया कि देखो मुझे मिला है, मैं करता हूँ, तुम भी करो इसे। तो जो एक एक ना एक लोगों के मन की हिचक थी उसको दूर किया। और राजा नायक सर इस मामले में एक तरह से मॉडल रहे हैं कि इन्होंने जो भी स्कीम्स रही हैं गवर्नमेंट की उसको मैक्सिमम इम्प्लीमेंट कराया इन्होंने पूरे साउथ इंडिया में। सर राजा नायक सर, थोड़ा सा आपसे भी मैं जानना चाहूंगा शुरुआती दौर से लेकर के, और चूंकि इसको बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में और जगह लोग देखते हैं और एक अलग इंटेलिजेंसिया है इस प्रोग्राम को देखने वाली, हमारी इंटेलिजेंसिया है, उनके दिमाग की भी सफाई करनी है, उनके मन में जो बहुत सारी धारणाएं हैं वो दूर करनी है। तो सर आप जरा बताइए कि शुरुआती दौर में जब आप जाते थे लोगों के पास और लोगों का जो रिएक्शन होता था, फिर आपने कैसे उसको दूर किया और कैसे आज जो लोग पहले दौर में नहीं आए आपके साथ, आज वो सब लोग आपके एक मजबूत टीम के हिस्से हैं। तो सर कुछ जिक्र कीजिएगा उसका। एक्चुअली क्या है, देखिए जब हम डिक्की को प्रारंभ जब किया था 2010 में 11 में कर्नाटक में, तो लोगों के पास हम किसी के भी बात करेंगे लोग बोलेंगे क्या लोन दिलाएगा, बैंक से पैसा दिलाएगा, ऐसे ही बात करते। और एक बात क्या है, हम लोग ये छोटे मोटे चीजों में हमारा वी आर हैप्पी विद दैट। हमारा समाज जो है
अभी वो टेलरिंग मशीन दे दिए, वो सेंटरिंग मशीन दे दिया, छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट दे दो, नहीं नहीं स्मॉल स्मॉल बिजनेस में 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 के ऊपर अगर बोलते हैं, अगर बैंक हिंदुस्तान में इतने क्राइम हुए, इतना ये हुआ है, तो कोई दलित समाज नहीं है उधर, एससी एसटी बैंक करप्ट कोई नहीं है, क्योंकि हमारे को देते ही नहीं था ना बैंक, तो बड़ा बड़ा पैसा तो बड़ा बड़ा लोगों को दे देते, और छोटा छोटा जो भी पैसे स्कीम है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो टेलीविजन हो गया, अगरबत्ती अगरबत्ती बनाओ, ये बनाओ ये बनाओ, हम लोगों को आज इस स्कीम से हम बाहर निकाल रहे हैं, टिक्की के माध्यम से हम बाहर निकाल रहे हैं, कि सोचो बड़ा, ड्रीम बिग, तो सपना, पहली बात तो हम लोगों को, हम लोग सपना ही नहीं देखते, सपना क्या देखते हैं कि हम आईएएस का एग्जाम लिखे, आईपीएस का एग्जाम लिखे, ऐसा हमारा लोगों का सोच है, तो मगर क्या है, मोर देन 1,00,000 पीपल राइट द एग्जाम्स आईएएस आईपीएस जो भी हो गया, मगर सिलेक्शन होता कितना 100 होगा, तो वेयर आर दोस अदर पीपल, दे बिकम एक्टिविस्ट, क्योंकि उतना पढ़ा, मैं आईएएस एग्जाम लिखे, मैं मौका मिला तो आज भी मैं चप्पल बेचने को तैयार हूँ, मुझे अगर प्रॉफिट मिलता है, मौका मिला तो मैं आज भी शर्ट बेचने को तैयार हूँ रोड पे, जहाँ तक मेरे को मेरा कॉस्ट का मेरा प्रॉफिट मिलता है, वो होना चाहिए, इसमें बिजनेस में प्रेस्टीज हो गया, ये हो गया, वो ईगो वो सब होता है ना, घर में बैठे मैं बीए पढ़ लिया तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं एमए पढ़ लिया तो ये नहीं काम करूंगा, तो हमारा लोगों में ये दे शुड कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम all our degree holders today they want 9 to 5 job 9 to 5 job kaun dega abhi kaun sa sarkar dega koi bhi sarkar nahi isliye sarkar ne bhi bahut se schemes rakha hai but hum we have to our people mera message to yahi rahega ki please come out we have to make up our mind kya bolta hai himmat karna chahiye business karne ke liye hum aage aana chahiye to automatically schemes bahut hai और डिक्की के माध्यम पूरा हिंदुस्तान में हर 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 स्टेट में हर जिला में डिक्की बहुत एक्टिव है और लोगों को हम अवेयरनेस देते हैं अदरवाइज आल्सो इवन बैंक्स आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी पैसा दे रहा है इसका ऑलरेडी उन्होंने वेबसाइट में भी लगाया कि क्या एससी एसटी कितना पैसा बोरो किया थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ बिन बोरो बाय एससी एसटी तो है तो और आगे भी बहुत ऐसा चलेगा और एक बात क्या है कि अभी लोग बोलते हैं ना कि वी आर बिकम टूडे टैक्स पेयर्स एससी एसटी समाज जो है वी आर द कंट्रीब्यूटर टुडे टू द जीडीपी ऑफ आवर नेशन जो पहले नहीं था लोग बोलते थे कि ये तो हम लोगों को ये बोलते थे कि ये तो दामाद है देश का दामाद है राज्य का दामाद है आज आज परिस्थिति ऐसी नहीं है हमारा परिस्थिति यह है कि हम टैक्स पेयर्स बन गए थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स टैक्स पेयर्स है डिक्की में है हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स का टैक्स पेयर्स डिक्की में है एंड वी आर वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द जीडीपी सर यूथ ज्यादा से ज्यादा उद्यमिता की तरफ जाए इसके लिए कोई सुझाव सर हमारा जो हमारा यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा डिक्की से जुड़े बेनिफिट से जो सरकार की जो स्कीम्स हैं वो ले इसके लिए क्या सुझाव देंगे सर जिससे हमारे वही बोल रहा था पूरा हिंदुस्तान में हर स्टेट में हर कैपिटल सिटी में हमारा ऑफिस है डिक्की का अभी आप दिल्ली में हमारा ऑफिस है बैंगलोर में देखा यू कैन गूगल बैंगलोर डिक्की ऑफिस वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस इन इंडिया इज बैंगलोर ऑफिस वी आर 15,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है हमारा डिक्की ऑफिस सो वी आर डूइंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देयर उनका बैंक का अर्जी तक हम फिल करते हैं ऑफिस में उनको सिर्फ साइन करना है और एक जमा अभी 5-6 साल पहले उनका सिग्नेचर भी हम डाल के अलॉटमेंट भी करवा दिया ऐसा किया तो लोगों को रीच करना है डिक्की में आना चाहिए और क्या होता है अपना लोग भी ऐसे है कि दे आर यूज टू ऑल फ्रीबीज है ना तो हर चीज को मुफ्त में चाहिए लोन भी थोड़ा होता है इधर उधर करना चाहिए वो सब लोग नहीं करते पहली बात तो दे हैव टू कम आउट दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई शुड बिकम ए बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि अभी देखिए इवन रतन टाटा ही है दे वर नॉट बॉर्न रिचेस उन्होंने भी छोटा बिजनेस शुरू किया एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स दे हैव टेकन टू बिल्ड द टाटा नेम सो हम भी यही चाहते हैं हमारा चेयरमैन का भी यही ड्रीम है कि दलित समाज से एससी एसटी समाज से सभी बिलियनर्स बने कोई टाटा बने कोई अंबानी बने ऐसे ही हम सोच रहे उसके तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट मार्गद बाबा साहेब के ब्लेसिंग से वो भी हो जाएगा एक दिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल एकदम होगा और परिवर्तन तो आ रहा है दिखाई भी दे रहा है डिक्की इतना अच्छा काम कर रहा है और खासकर जो चीजें
जो जो सीवर में जो लोग मारे जाते थे दिन प्रतिदिन हजारों, इवन हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में मेन हॉल को साफ करते हुए हॉस्पिटल में ही लोग मारे जाते थे, आज वही काम मशीन कर रहा है, तो इससे मतलब जान भी सुरक्षित है और उससे एक तरह से इकोनॉमिकली एक एक वो आया ही है कि एक परिवार एक मशीन से 10 परिवार का खर्च चल सकता है, वो इस काम को छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ जा सकता है। लेकिन सर ये बताइए मुझे कि ये अभी 2-3 स्टेट में है, हैदराबाद या दिल्ली में जैसे बहुत मशीन आया, तो क्या कोई आपके पास कोई डिक्की के पास आप इन दस्त डिक्की के पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जिससे मैक्सिमम लोगों को इसमें बेनिफिट हो और वो इस गंदे पेशे को छोड़ के एक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनारस में इनवाइट आया हमारे को कि प्रेजेंटेशन दे के, हमारा प्रेसिडेंट रवि नारा सर ने भी गए थे शायद, वो डायलॉग चल रहा है। और जहाँ तक कर्नाटका सुन रहे हैं ना, कर्नाटका सवाल है, हमने कर्नाटका में भी जब सिद्धरामैया जी के गवर्नमेंट था तो हमने प्रेजेंटेशन दिया था उनको, तो बीच में गवर्नमेंट इधर उधर हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में थोड़ा स्लो चल रहा है, बीच में भी 4-5 महीने से तो कोरोना आ गया, तो बट ऐसा वी आर गिवन द प्रेजेंटेशन टू द अभी स्मार्ट सिटीज, एस्पेशली स्मार्ट सिटीज में दे हैव टू इम्प्लीमेंट दिस करके बोला। और डिक्की एक्सक्लूसिवली इट शुड बी गिवन टू एंड्रॉइड ओवर टू डिक्की करके हमने रिक्वेस्ट भी किया गवर्नमेंट्स को कि हमने आइडेंटिफाई करें और लोगों को इन्वॉल्व करें इसमें, वी आर डूइंग दैट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंगूठा साइन भी सिग्नेचर भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, ऐसे लोग आधार कार्ड नहीं, ऐसे लोगों को भी हमने लोन दिलवाया। और डेफिनेटली इन द कमिंग डेज वी विल सी दैट स्वच्छकार समाज को भी जितने भी हम अपना डिक्की के साथ में हम साथ साथ में लेके जाने का जरूर कोशिश करेंगे। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि स्वच्छकार समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, स्वच्छकार समाज हो कोई दलित समाज को, मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज बाहर आइए अपने जो एक्चुअली ये जो फर्स्ट ये जनरेशन है, जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा माँ बाप और उनके बड़े घर में जो बड़े हैं ना उनका, अभी आप फॉर एग्जांपल आप लड़की भी पूछने जाओगे ना घर में, वो बोलेंगे क्या जॉब है, वो प्यून भी काम करता है तो लड़की देने को तैयार है, मगर ये बिजनेसमैन बोलने से क्या है, वो ऐसा बोलते लोग, ऐसा हो गया। तो वो माइंडसेट से हमारा लोगों को बाहर आना है, वो सर अनसर्टेनिटी सी लगती है ना कि जो फिक्स है, मतलब आंधी आओ बारिश आओ एक अवधारणा बनी हुई है, बस वही मिली है तनख्वाह, ओके हाँ, तो उससे वो माइंडसेट से बाहर आना, बाहर माय रिक्वेस्ट इज लेट देम कम आउट ऑफ दैट फर्स्ट। एंड बिजनेस जितना हम रिस्क बोलते हैं उतना रिस्क भी नहीं है, इजी भी है। And especially for that, today is the right time for SC/ST Samaj because the opportunities are open like anything. Abhi log bolte the na, pehle bolte the, are food industry, hotel karne se hamara hotel mein kaun khayega? Aisa bolte the. Aaj har shahar mein, har state mein, hamara dikki mein bhi bahut se hotels chalate. Main khud food industry mein, main sara business chhod ke aaj food industry mein divert ho gaya hoon because everybody needs food today. Even during, for example, aapne corona ke time pe dekhiye, पूरा विश्व बंद था मगर फूड का दुकान खुला ही था, फूड वाज ओपन एवरीवेयर, सो दे मेड बिग मनी। सो टुडे आवर पीपल शुड लुक इनटू टैप दोस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इवन वर्ल्ड वाइड बाहर जाने के लिए बहुत सारे, अगर प्लम्बिंग बोलते फॉर एग्जांपल, प्लम्बिंग दे थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल जॉब, प्लम्बिंग इज अ वेरी बिग जॉब यूरोपियन कंट्रीज में, तो दे चार्ज इन आवर्स। मैं अभी यूरोप गया था, प्लम्बिंग आया मैं देखा, आया तो वो कार में आया, 10 मिनट में काम किया और अपना पेमेंट बिल बना के लेके चला गया। सो दे आर लॉट ऑफ स्किल्स एंड आई एम अगेन वी आर इनटू वेलनेस इंडस्ट्री, आज वेलनेस इंडस्ट्री बहुत क्या, लोगों के पास अगर खाना भी नहीं है ना, अपने आप को मेंटेन करना चाहता है। सो टुडे वी हैव 5 आउटलेट्स इन कर्नाटका अलोन, वी आर कमिंग अप इन पैन इंडिया, सो पर्पल लेस करके नाम से हम, हमारा वेलनेस इंडस्ट्री है, ब्यूटी सैलून है, माय वाइफ शी टेक्स केयर ऑफ दैट। तो ऐसे करने के लिए तो बहुत कुछ है, इसके लिए कोई एमए डिग्री, देयर इज नो रॉकेट साइंस एट ऑल टू डू बिजनेस, पहली बात। हमारा लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग दैट अरे एमबीए करना है या बीए करना, वो करना, वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस करने के लिए। और लोगों के दिमाग में यही रहे कि मैं तो
और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँ? मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो पैसा किसी के पास भी नहीं रहे, कोशिश पहले तो कोशिश तो करो, तो अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकली आए. सो फर्स्ट दे हैव टू ट्राई, दे हैव टू कम आउट विद सम आइडियाज. एंड टुडे गवर्नमेंट्स डेफिनेटली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स. स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्मार्ट इंडिया हो गया, ऐसा ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है. तो लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज को हमने यूज करना है. एंड बेसिकली बाय बर्थ बाय हमारा ब्लड में है कि वी आर हार्ड वर्कर्स. दलित समाज, एससी एसटी जो भी है, स्किल जहाँ तक स्किल की सवाल है, प्राउडली आई से पूरा स्किल हमारे पास है, उसको अच्छी तरह से कार करना चाहिए. डेफिनेटली दे विल सी सक्सेस. एंड एनी टाइम एनी काइंड ऑफ एडवाइस सपोर्ट डिक्की के तरफ से साउथ इंडिया में, मैं साउथ इंडिया बोलता हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ. मैं दिल्ली दो तीन बार तो मैंने मैं दिल्ली आता हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता रहता हूँ. कभी भी एनीबडी कैन रीच मी एनी टाइम. राजेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे और शामिल करना चाहेंगे? हम चर्चा को विराम देंगे फिर. राजेश सर, सर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ, मैंने अनम्यूट कर लिया. जी जी, ये बहुत अच्छी चर्चा रही. और एज हम सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअलों की, हाँ नहीं वो तो करूँगा ही, इंटेलेक्चुअलों की एक खासियत है कि हम समस्या खोजते हैं, हम प्रॉब्लम खोजते हैं. इंडस्ट्री जो है वो समाधान खोजती है. तो यही समस्या खोजना एक अलग प्रक्रिया है, उसका सॉल्यूशन खोजना इंडस्ट्री करती है. जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी कल ही मैंने एक फेसबुक पे लिखा था कि हम लोग अतीत की चीज़ों को लेकर बहुत रोते गाते पीटते रहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ वो हुआ. सच्चाई है भी, लेकिन सिर्फ इसी को अपनी चेतना में जगह देना महत्वपूर्ण नहीं है. भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं, भविष्य की जो ज़रूरतें हैं, भविष्य के जो बदलाव हैं, उसको भी देखना जरूरी है. और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भविष्य को देखते हैं. एक बिजनेसमैन देखता है कि कल उसके दुकान पे कौन सा ग्राहक आएगा और उस हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाता है. तो ये जो भविष्य के प्रति विशेष आग्रह उद्यमिता के लिए बहुत जरूरी है. और ये हम सब लोगों को, हमारे एकेडमिशियंस को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, और डिक्की ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि एक मतलब सबके साथ, एक उनका एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ, अपने सोशल वर्कर के साथ, सबके साथ एक एक टाई अप चल रहा है, एक संगठनात्मक काम चल रहा है. हम सब लोगों को उससे सोचना चाहिए. एक और मैं सुझाव देना चाहूँगा कि कभी दिल्ली में जो जल बोर्ड के द्वारा जो सीवर के लिए काम किया गया, उस पर कभी एक दिन चर्चा करवाऊँगा मैं आपके पास, जब भी समय होगा, कि वो कैसे कार्य रूप में आया, कैसे आगे बढ़ रही ये चीज़ें. और एक बार फिर से मैं शुक्रिया, शायद कोई सवाल नहीं होगा लोगों का, लेकिन सवाल अगले का भी उसमें लिया जाएगा. पूरे आयोजन के लिए शुक्रिया. मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम. हाँ कोई बात नहीं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरा जरूरी है. और बहुत अच्छी बस बस हाँ. और ये बहुत अच्छा रहा है. और एक राजा नायक सर के माध्यम से साउथ इंडिया में भी एक आपकी इस चैनल की एक रीच हुई. और बहुत एप्रोप्रिएट पर्सन हमें लगे हैं सर का. तो मैं 2010 से ही सर के साथ दोस्ती हम लोगों की है और आगे तक भी रहेगी. एक बार पुनः आपका शुक्रिया, राजा नायक सर का शुक्रिया, और इस पूरी मुहिम का शुक्रिया कि हम बहुत सारे हमारे मन में जो अंतर्विरोध हैं, मन में जो जाला फैला हुआ है, उसको भी दूर करने का काम इस पक्षकार समाज की आवाज के चैनल के माध्यम से हो रहा है. इसलिए एक बार पुनः आप सबको शुक्रिया और हार्दिक आभार. सर आप थैंक यू. देव से पहले मेरे पास एक सवाल बार बार आ रहा है कि आप जरूर पूछिए. वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सफाई कर्मचारियों के पास मशीनें आ जाती हैं, वही जाला साफ करने वाली बात सर आप जो कह रहे हैं कि अगर सफाई कर्मचारियों के लिए मशीन आ जाएगी तो सफाई कर्मचारियों की नौकरी कहाँ से मिलेगी, उनका तो रोजगार ही छिन जाएगा. ये मैं इस पे कहना चाह रहा था बीच में जब बातचीत आपकी हो रही थी. पिछले दिनों जब सीवर में लोग डूब करके मर रहे थे, तो उस दरमियान एनडीटीवी पे रवीश जी ने दो सीवर के कर्मचारियों को बुलाया था, जो एक डूबने के बाद थोड़ा सा बेहोश हुए थे, फिर बाद में वो आ गए थे. तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है. उनकी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाए. जो 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनको परमानेंट कर दिया जाए. उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि उनको वो काम नहीं करना चाहेंगे. 300 रुपया में आपको डूबने के लिए मौत ही मिली है आपको चुनने के लिए.
दूसरी बात जहां तक रही है कि नौकरी वाली, देखिए आपने जो मोची का उदाहरण दिया और बाटा और लखाने का उदाहरण दिया, किसी भी प्रोफेशन में जब तक नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको काम नहीं करेंगे वो चीज़ें आउटडेटेड हो जाएंगी। तो दुकान पे बैठने वाले मोची अगर अपने को अपडेटेड नहीं करेंगे तो वो फिर अप्रासंगिक हो जाएंगे। और इस वजह से कोई भी प्रोफेशन, अगर वाल्मीकि समाज भी, आप किसी मॉल में जाइए, वही सफाई का काम वहाँ पे कोई आदमी करता है, उसने ड्रेस पहन रखा है, उसने ग्लोव्स लगा रखे हैं, उसने जूते पहन रखे हैं, उसने मास्क लगा रखा है और बढ़िया ड्रेस पहन रहा है, उसमें वहाँ पे जाती कोई पूछने जाता है क्या वाल्मीकि हो या बिहार के बाबू साहब हो या क्या हो? जितने दिल्ली के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सो कॉल्ड बाबू साहब लोग रहते हैं। वहाँ पे गांव में जाके कहते हैं हम दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पे दिल्ली पुलिस में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो प्रोफेशन में जब आप चेंजेज लाएंगे, जब उसको अपडेट करेंगे, जब उसको बेहतर करेंगे तो उसी में भलाई है। तो ये वाल्मीकि समाज के लिए भी है कि आपको ऐसी, क्या आपने जिंदगी भर का वो परमानेंट ठेका लेकर रखा है कि आप ही को काम करते रहेंगे? आप उस काम को छोड़िए, उस अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब लीजिए। बताइए सर, एक सवाल ले लेते हैं, राजा नायक जी से पूछ रहे हैं जी। कि अगर कोई दलित बिजनेस लोन लेता है और उसकी बिजनेस डूब जाती है तो बैंक का क्या रोल होगा और डिक्की का क्या रोल होगा? सर, अगर हम दलित बिजनेसमैन है, अगर बैंक से कोई लोन लेता है और बाई चांस उसका बिजनेस डूब जाए, बैंक क्या उसको, मतलब क्या भूमिका होगी और डिक्की क्या मदद कर सकता है उसमें? देखिए, डूब जाता है वो खुद डूब, वो ये कर देता है वो अलग बात है, मगर क्या है कि वो जो भी लाभ होगा वो यूनिवर्सल है, सबके लिए एक ही होगा ना। हमारे लिए थोड़ी अलग कर, बैंक का पैसा कौन है, किसका है? पब्लिक का पैसा है ना वो, तो बैंक का भी पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। तो उसके लिए तो कोई वो क्यों सोचे, पहली बात तो यही है ना। अभी बिजनेस करने से पहले डूब जाए, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, ये सोच से बाहर आना चाहिए हमारा लोगों को। इससे बाहर कौशल जी, इसमें मैं और करना चाहूंगा कि हमने दलित उद्यमियों के लगभग 2000 से अधिक उद्यमियों के बारे में अध्ययन किया। हमने ये देखा कि जितने भी बड़े उद्यमी हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि तो मैंने महसूस किया कि पढ़ाई लिखाई जो है दलित समाज की वो बिजनेस के क्षेत्र में बाधा है। जानते हैं क्यों बाधा है? बाधा है कि पढ़ा लिखा आदमी हिसाब किताब अधिक करता है। मान लीजिए अगर उसने 100 रुपया का अगर कोई सामान खरीदा तो जब तक उसे 110 रुपये की गारंटी नहीं मिल जाएगी लिखित रूप में, तब तक वो नहीं उस पर काम करेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन यदि 100 रुपया कोई, एक बिजनेसमैन अगर कोई 100 रुपया लगाता है, अगर 99 रुपया में भी मिल रहा है ना तो उसको बेच देगा, सोचेगा कि मेरा 99 रुपया तो बच गया ना, मेरी पूंजी तो बच गई। तो ये हम लोग पढ़े लिखे लोग गुना भाग अधिक करते हैं। दूसरी बात जो बैंक और लोन को लेकर के है, बिजनेसमैन को सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, लाभ के बारे में, हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हम बुद्धिजीवी लोग सबसे पहले हानि के बारे में सोचते हैं, इसी तरह से डरे रहते हैं। प्रॉफिट सोचेंगे तो अपने आप चीजें निकल जाएंगी, और बिजनेसमैन हर काम में प्रॉफिट देखता है। तो ये जो पूरा स्वच्छकार इस चैनल में दिमाग से ये भी जाला साफ करना है कि आदमी लॉस मत देखे, लॉस तो हो जाएगा, प्रॉफिट के बारे में सोचे कि प्रॉफिट कैसे होगा। उस तरफ जब सोचना शुरू करेगा फिर अपने आप को इनके रास्ता निकलेगा उसमें। पहला सोच प्रॉफिट के तरफ ही जाना चाहिए। अगर पहले ही सोच अगर आप लॉस के बारे में सोचेंगे, ये माइंडसेट तो इधर ही बदलना है। शुरू करने से पहले ही वो फेलियर के बारे में सोचेंगे, कहाँ से सक्सेस देखेंगे? सक्सेस को तो हम सक्सेस की तरफ ही देखना है, पॉजिटिव, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करने से पहले ये लाभ आएगा नहीं आएगा ऐसे सोचेंगे तो जरूर नुकसान ही होगा। तो इसलिए वो सक्सेस ही देखना चाहिए। और बिजनेस में अगर सही तरीके से करने होंगे, 99% आज कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो डूब गया। तो डूबना कहा जाता है वो बैंक से पैसा लिया, शादी कर लिया,
घर में कोई घर में कोई फेस्टिवल कर दिया, बैंक का पैसा लेके फिर किस्तें नहीं भरेंगे, बिजनेस का पैसा बिजनेस में रहेगा तो डेफिनेटली बिजनेस सक्सेस ही देखेगा। सर नैमी चंद जी कह रहे हैं इस समाज को सबसे पहले अन्य प्रकार की जॉब करनी चाहिए, सामाजिक सफाई कार्य का बहिष्कार करना चाहिए। मलकीत कल्याण जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परमिंदर जी, दिनेश जी, गोरी आवाम कहती है बहुत अच्छी डिबेट आप लोगों ने की, अमित कुमार, माही सिद्धू, मलकीत कल्याण लगातार बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी डिबेट है, राजेश पासवान सर ने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया, बीच में राजा नायक को आप तो सर जयबीम बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रामलखा जी लंदन से हैं, वो लगातार आपकी डिबेट को हमारी चर्चा में सुन रहे हैं। थैंक यू सर, आप इतनी दूर से हमारे साथ बैठ के जुड़े हुए हैं। राधेश्याम जी, गौरव आर दिंगान जी, विवेक टांक, रंजीत सिंह, ये भी लंदन से हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। उज्जैन बंधु रामलखा, रवि कुशामर, अरविंद सोरगुड़े, धर्मपाल सिंह, अरविंद दीपक राज अम्बेडकर, दलीप कुमार, विनोद कुमार, तमाम जितने लोग मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सुशील जी, ब्रजेश सोनकर, पवन कुमार, निशा पारचा जी कह रही है कि आपको और मुझे और जैस राजेश पासवान सर को जय भीम। राज अधिवंशी जी लगातार आपसे शुरू से ही आपके साथ चर्चा में है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राज अधिवंशी जी वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। पंजाब में इन्होंने स्कूल खोला है और स्कूल को कॉलेज की तरफ ले जाने का प्रयास है, जलंधर में इनका स्कूल बन रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। राजा दिवंशी सर मैं आपके शुक्रगुजार हूँ और आपने राजा नायक जी की बात को लगातार चर्चा को सुना। मैं तमाम मित्रों को भी कहूंगी कि हमें जैसे राजा नायक सर बोल रहे थे कि आज एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद चला रहे हैं, आज जहाँ पानी हमें नहीं पीने दिया जाता था, घड़ों में पानी नहीं पीने दिया जाता था, नलकों पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज हम खुद उनको पिला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो डिक्की के माध्यम से आपने हासिल किया और तमाम जो एक आर्थिक उद्यमिता से एक जो एक बदलाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा बुद्धिजीवियों की, हमारी दिक्कतें होती हैं कि हम परिणाम की तरफ ज़्यादा देखते हैं बजाय उसकी जो हमारे सामने है उसके ऊपर बात करने के, लेकिन ये बिल्कुल एकदम रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है तो और ज़्यादा अच्छा काम होगा। महेंद्र प्रताप सिंह जी, धर्मपाल सिंह जी, राजेंद्र जी, रामसूरत भारद्वाज जी लगातार सुन रहे हैं हमारी चर्चा को, बाबूलाल, गौरव कुमार, आप सब तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेणु सिंह, निशा आरजू संभालका से हैं, आपके बैंगलोर से ही इन्होंने एजुकेशन ली है और अभी काम कर रहे हैं, कृष्ण कुमार जी, रवि जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी डिबेट है, गौरी नायक जी ने भी कहा कि यू आर रियली अवर हीरो, मलकीत कल्याण जी आपके लिए बोल रहे हैं, मलकीत कल्याण जी पंजाब से हैं और हमारी कम्युनिटी से हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी से, और लगातार हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, अशोक अज्ञानी जी, विनोद कुमार जी, बलबीर तंवर जी मेरे बड़े भाई साहब हैं कैथल से मेरे मायके की तरफ से, बी एम सिंह जी, विनोद, सुशील पोहाल, महेंद्र सिंह, विकास चौहान, चंद्रशेखर त्रिपाठी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो भी लगातार सुन रहे हैं, विनोद कुमार सागर और तमाम लोग जिनको मैं नाम थोड़ा सा कम पढ़ पा रही हूँ, तमाम लोग आप की इस चर्चा को सुन रहे थे सर। बस मैं अंत में चर्चा को एक समाप्ति की ओर ले जाने से पहले प्रोफेसर राजेश पासवान जी ने जो इतना कीमती समय हमें दिया, आपका सर बहुत बहुत आभार स्वच्छकर समाज की आवाज चैनल की तरफ से मैं आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छा अवसर हमें उपलब्ध करवाया है, डिग्री के बारे में ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंचे, आर्थिक रूप से भी हम संपन्न हो और एक ये परिवर्तनकारी का निर्वाह करें, समाज की आवाज का मतलब भी यही था कि हम तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तमाम लोग जो समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं उन सबको हम एक मंच पर लाकर उनके साथ चर्चा करते हैं। चर्चा की कड़ी में आज आप हमारे साथ थे, कल की चर्चा में हमारे साथ होंगे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत सिंह, जिनके साथ हम दिल्ली में जो सफाई कर्मचारियों की दशा है, क्या उनकी दिशा होनी चाहिए, इसके ऊपर हम कल शाम को 4 बजे, तमाम दर्शकों के लिए मेरा निवेदन है कि कल हमारे साथ बने रहिए शाम को 4 बजे, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करेंगे, चर्चा में भागीदार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ तमाम
लोगों का जिनके मैं नाम अगर छूट जा रहा हूँ मेरे से, मैं उनसे माफी भी चाहूंगी। संदीप बिरला जी हमारे साथ सुन रहे थे, दलीप भारती, महेंद्र बोध, हरिनाथ मगननाथन आपके शायद कर्नाटक की तरफ से हैं, तमाम लोग, सवन कुमार गौतम जी, विजय कुमार सागर जी, तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपका बहुत 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 आभार स्वच्छकार समाज की आवाज के लिए आपने समय हमारे लिए निकाला। राजेश पासवान सर, आपका तो क्या अधिकार है मेरा, बोल देती हूँ कि आइए आप हमारे साथ शामिल होइए। थैंक यू सो मच सर, आपने एक नई दिशा खोली है हमारे लिए, आर्थिक आधार पे भी कैसे हम बातचीत करें, हो सकता है हमारे, हो सकता है इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में भी इस चीज को लेकर डिफरेंसेस हो, लेकिन जब तक हम बात ही नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है हम सोल्यूशन नहीं जाएंगे। और ये स्वच्छकार समाज की आवाज हमारा एक छोटा सा प्रयास है। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Jai Bhim, sir. Jai Bhim, sir.